अच्छा जी, इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एन एब्स्ट्रैक्ट टाइप इज अ टाइप दैट नॉमिनेटिव टाइप सिस्टम कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड डायरेक्टली, अ टाइप दैट इज नॉट एब्स्ट्रैक्ट विच कैन बी नॉट बी इंस्टेंशिएटेड इज कॉल्ड कॉन्क्रीट टाइप। मतलब इसको आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, सही है? तो जैसे अभी तक हम एक्सेस कर रहे थे इसको, सही है, वैसे हम इसे डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद मतलब इसे भी आपको एक्सेस करने से पहले डिक्लेयर करना होता है, जैसे कि हमने प्रोटेक्टेड को किया था, सही है, एक्सटेंड करना होता है जी बेसिकली। जैसे अभी तक हमने एक्सटेंड किया था ना अपने पास, जैसे कि यहाँ पर देखें आपके पास यहाँ पे एक आ रहा है डेमो, सही है। तो इन्होंने क्या किया है, डायरेक्ट इनको एक्सेस करने के लिए पहले आपको एक्सटेंड करना पड़ता है, देन उसके बाद ये क्या कहते हैं एक्सेस होता है। तो यहाँ पर मैं एक पैकेज बनाता हूँ क्लास 12 के नाम से, और इसके अंदर मैंने एक क्लास बनाई, एक मिनट। इसके अंदर मैंने यहाँ पे इसके अंदर जाके एक न्यू जाके क्लास क्रिएट करी, जिसका नाम मैंने रख दिया मेन कर देते हैं, ठीक है, या फिर एबीएस कर देते हैं, चलें। अच्छा, एबीएस के अंदर तो मैंने मेन मेथड अपना अप्लाई कर दिया, सिंपल जो होता है। उसके बाद यहाँ पे मैंने किया एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट एक प्रॉपर कीवर्ड है, सही है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास लैंग्वेज, सही है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास लैंग्वेज। अब देखें यहाँ मैंने किया एब्स्ट्रैक्ट क्लास लैंग्वेज, मैंने ये कर दिया यहाँ पे डिफाइन। उसके बाद जब मैं यहाँ पे इसके अंदर मैंने बनाया ब्रैकेट, और इसके अंदर मैंने जिसका मेथड था वो कॉल कराया, जिसका नाम मैंने रखा पब्लिक वॉइड डिस्प्ले, सही है, डिस्प्ले करवाने के लिए, और डिस्प्ले करवाया मैंने इसमें से दिस इज जावा प्रोग्रामिंग, सही है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे इसको जो है इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया, सही है, देन ऑब्जेक्ट। अच्छा जी, अब ऑब्जेक्ट इसका कैसे बनेगा, ऑब्जेक्ट इनका इसका ऐसे बनेगा कि ये देखें इसको हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। अगर मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ जैसे कि लैंग्वेज, ये आ तो गया लेकिन ये यहाँ पे मेरे पास एरर थ्रो करेगा, सही है, सही है, मेरे पास एरर थ्रो करेगा। तो उसके लिए मैं ये करूँगा कि मैं यहाँ करूँगा क्लास ए बी एस, मतलब जो भी आपकी क्लास का नाम है, अगर यहाँ पे मेन नाम होता तो आपका क्लास मेन होती, क्लास ए बी एस एक्सटेंड लैंग्वेज। मतलब अब हमने इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया, ठीक है, मतलब जब तक कनेक्शन नहीं होगा इसे आप रन नहीं कर सकते एब्स्ट्रैक्ट क्लास को, सही है। तो अब ये कनेक्ट हो गया, तो अब भी आप जब बनाएंगे ना इसके अंदर ऑब्जेक्ट अपना, तो आप बनाएंगे मेन के नाम से, सही है। कैसे, आपने जैसे कि मेन का एक ऑब्जेक्ट बनाया, मेन बल्कि आपकी जो मेन क्लास है एबीएस उसका बनाया, सही है, और एबीएस और नाम दिया ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू न्यू एबीएस, सही है। और उसके बाद मैंने किया इसको ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले, सही है। तो मतलब ये कि मेन को जो हमारी मेन क्लास होती है, जैसे यहाँ पे मैंने एबीएस नाम रखा है मेन क्लास का, तो मैंने इसके अंदर से एक्सेस करा। चाहिए रख दे रहा है यहाँ पे न्यू एबीएस यहाँ पे, अच्छा सही है, इसको रन करें जरा। सही है, ठीक है। अब देखें, एक तो ये मेथड हो गया आपका, सही है। अब एक मेथड और भी है कि अगर मेरे पास मैंने जब अगर मेरे पास जैसे कि यहाँ पे मैंने इसको कर दिया कमेंट से, कमेंट नहीं करते बल्कि एक नई क्लास ही बना देते हैं, इसका नाम मैं रख लेता हूँ। अच्छा ये देखें यहाँ पे लैंग्वेज एक आ रहा है यहाँ पे देखें, और इसको देखें यहाँ पे आपके पास ये एब्स्ट्रैक्ट टाइप आएगी इसकी, ये देख रहे हैं इसके ऊपर लिखा आ रहा है एब्स्ट्रैक्ट क्लास, जो लैंग्वेज आपकी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है,
ठीक है। अच्छा यहाँ पर मैंने एक बनाया, एक क्लास और बनाई जिसका नाम मैंने रख दिया होम, होम के नाम से तो बनी हुई है, मैंने इसका नाम रख दिया कैट या फिर NOP। चले उसके बाद मैंने इसके अंदर एक क्लास बनाई एब्स्ट्रैक्ट क्लास एनिमल, ठीक है, और उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो मैं बनाऊंगा, सही है। अब एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो होता है ना उसको वो भी क्लास के अंदर ही कॉल होता है, सही है, वो एक सेपरेट क्लास के अंदर कॉल होता है, कभी भी मेन क्लास के अंदर कॉल नहीं करा सकते आप, सही है, मतलब उसको सेटअप नहीं कर सकते। मैंने यहाँ पर किया कि एक मेथड यहाँ पर बना दूंगा लेकिन मैं उसको कोई वैल्यू असाइन नहीं कर रहा, मैंने यहाँ बनाया एक एब्स्ट्रैक्ट वॉइड, अभी तक पब्लिक वॉइड था, अब एब्स्ट्रैक्ट वॉइड आ गया, सही है, या सिर्फ वॉइड था, और मैंने नाम रखा मेक साउंड, ये मैंने बना दिया, छोड़ दिया सही, सही है। अब मैं इसको आगे चल के यूज करूंगा, और मैंने यहाँ पर किया पब्लिक वॉइड ईट, सही है, और उसके बाद आई कैन ईट, सही है, ये है, आ गया एक ईट का जो हमने लास्ट क्लास में किया था। उसके बाद मैंने एक क्लास बनाई जिसका नाम मैंने रखा क्लास डॉग एक्सटेंड एनिमल, ठीक है, मतलब एक सेपरेट क्लास बना दी मैंने, एक क्लास और बनाई उसके अंदर इसकी मैंने इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड की, सही है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ट्रैक मेथड, मतलब उसको मैंने बनाया ऊपर था यूज में से यहाँ पे कर रहा हूँ, सही है। और उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने इसको एरर क्यों दे रहा है, ये ठीक है। अच्छा जी, तो इसमें मैंने पब्लिक एक मिनट वॉइड मेक साउंड, यहाँ पे उस मेथड को मैंने पब्लिक कर दिया, सही है, सेम मेथड यूज किया, मतलब ये कि मेथड वो यहाँ से चेक करेगा और कॉल वो एनिमल से कराएगा, जब भी उस एनिमल से कॉल कराया जाएगा तो वो डॉग के पास आएगा, सही है, क्योंकि देखें ये मेक साउंड का मेथड मल्टीपल किसी के पास भी हो सकता है, देखना है कि कॉल कहाँ से हो रहा है, जैसे कि डॉग है आपके पास, एक कैट है आपके पास, एक बर्ड है आपके पास, तो कई कॉल कहीं से हो सकता है, देखना है कि आ कहाँ से रहा है, इसलिए हमने इसे एब्स्ट्रैक्ट कर दिया कि जहाँ पे इसे कॉल कराया जाएगा बस ये वहीं पे आएगा, सही है, जहाँ जहाँ एक्सटेंड कराया जाएगा बेसिकली एनिमल की टाइप को, सही है, वरना तो अगर जैसे कार है, कार का भी साउंड होता है, अगर मैं वहां पे मेक साउंड प्रोवाइड कर दूंगा तो वो नहीं होगा, क्योंकि वो कार की क्लास किसी और चीज को एक्सटेंड करवा देगी, जब तक कि आप एनिमल को एक्सटेंड नहीं करवाएंगे वो उसे ओवरराइट नहीं करेगा मेथड, सही है। तो यहाँ पर मैंने किया बार्क, और उसके बाद मैंने इसको डॉग एक डी वन के नाम से मैंने बनाया, इक्वल्स टू कर दिया न्यू डॉग और डी वन डॉट मेक साउंड, ठीक है, और चाहे मेक साउंड, मेक साउंड अच्छा मेन मेथड को अप्लाई करना है इसमें, अच्छा ठीक है, और उसके बाद डी वन डॉट ईट, अब देखें अगर मैं इसे रन करता हूँ तो ये चल जाएगा मेरे पास, सही है, लेकिन अगर मैं सेम चीज करूं एक अलग उसमें, जैसे कि मैंने यहाँ पे इसे कॉपी किया और अब मैंने किया ये यहाँ पर, और मैंने क्लास का नाम दे दिया कैट, लेकिन मैंने इसे एक्सटेंड नहीं करा, सही है, और मैं सेम चीज कैट के साथ कर देता,
तो कैट का आता तो, लेकिन वो वहां से क्या कहते हैं एक्सेस होके नहीं आता, सही है? मैं उसको वहां से नहीं लेता, सही है? वहां से कहां से? यहां से ऊपर से, जब भी मतलब एनिमल से कनेक्टेड नहीं रहेगा वो। अगर आपने इसे एनिमल की, जैसे कि कैट और डॉग ये सारे एनिमल फैमिली से कनेक्ट करते हैं ना, तो आपको कनेक्ट, जो आपको बेसिकली अगर कनेक्शन बनाना, जैसे कोई क्लासेस एक दूसरे से एसोसिएटेड होती हैं, तो आपको पता चल जाता है कि इस क्लास का काम यहाँ चल रहा है, सही है? इन क्लासेस को हमने यहाँ पे कनेक्टेड रखना है, सही है? तो बेसिकली दोनों को हमने इसमें एक्सटेंड करवाया और दोनों से सेम फंक्शन यूज करते हुए उसे काम करवाया। मतलब जिस टाइम पे जो फंक्शन कॉल होगा वो आएगा, बट वो फंक्शन आपके पास मेन में भी मौजूद होगा इस तरह से। मतलब आपने डिफाइन कर दिया, लेकिन कॉल वो यहाँ से भी होगा, सही है? अगर इसमें एब्स्ट्रैक्शन थोड़ा सा है, कंफ्यूजन वाला पूछे, अगर कोई क्वेश्चन है तो जी। क्या हुआ, हम आपने कंप्लीट कर लिया? नहीं, अभी और कर रहे हैं इसमें, ये जो ये वाला था इसमें हो गया, कोई क्वेश्चन है तो पूछे इसमें यहाँ तक। नहीं, इट्स ओके, आप कंप्लीट कर लें। जी अब एक आपके पास और है इसमें, सेम मैं एक मेथड से आपको करके दिखा रहा हूँ, सही है? यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो होता है आपका, अब यहाँ पर मैंने किया दोबारा से एब्स्ट्रैक्ट क्लास एनिमल, अच्छा एक चीज और, अगर आप कोई भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाते हैं तो उसकी कोई बॉडी नहीं होती, सही है? मतलब उसके अंदर आप कुछ डिफाइन नहीं कर सकते, सही है? अगर आपको उसे डिफाइन करना है तो आप उसे दूसरी क्लास में पब्लिक मेथड में डिफाइन करते हैं, ठीक है? उसकी मतलब कोई बॉडी नहीं थी, आप उसे बस बना के डिफाइन करके छोड़ देते हैं, लाइक जैसे अभी हमने लास्ट यहाँ पे टाइप कर देता है एब्स्ट्रैक्ट मेथड, और यहाँ पर मैंने दोबारा से उसी तरह से एक बनाया, पब्लिक, इस बार मैं पब्लिक बना रहा हूँ, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वॉइड, और दोबारा से एक एनिमल साउंड का मैंने बनाया, और उसके बाद ये एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, और आपका जो रेगुलर मेथड है वो है कि आपके पास एक आता है पब्लिक वॉइड, एक मैंने स्लीप के नाम से बना दिया, बहुत ही एक इजी एग्जाम्पल से मैं करवा रहा हूँ आप लोगों को, और स्लीप के लिए आपके पास आ गया यहाँ पे, सही इस तरह से, और ये हो गया, ठीक है? अब एक इसकी सब क्लास बनेगी जो कि इनहेरिटेंस इनहेरिट होगी एनिमल एनिमल से, सही है? तो क्लास मैंने ले ली कैट स्टैंड एनिमल, और पब्लिक वॉइड एनिमल साउंड, सही है? सेम जो मैंने ऊपर डिफाइन किया था, अब जो ऊपर डिफाइन किया था लेकिन उसमें कुछ मैंने दिया नहीं था, तो वो मैं यहाँ पे पब्लिक मेथड में दूंगा उसको, सही है? सही है, साउंड में आ जाएगा कैट का इस तरह से, और उसके बाद आपका जो मेथड है इसका क्लास जो है आपकी, क्या नाम है इसका, एनओपी
मेन मेथड आपने डिफाइन किया और एक आपने इसका ऑब्जेक्ट बनाया कैट का, और कैट का आपने बना दिया सी वन इक्वल्स टू कैट, और उसके बाद सी वन डॉट एनिमल साउंड, मतलब उसका साउंड लाना है, और सी वन डॉट स्लीप। अब देखें एब्स्ट्रैक्शन हम कहाँ करवाते हैं कि जो चीज़ सिमिलर होती है, सही है। अब देखें स्लीप का सिमिलर भी थी यहाँ पे हमारे पास, कि जी कैट का साउंड एक ही है, ये देखें स्लीप जो थी हमारे पास, जो पब्लिक मेथड हम मेन क्लास में डिफाइन करते हैं, जो जैसे कि आपके जो क्लास आपने इनहेरिट करवाई होती है, सब वही चीज़ें करते हैं कि आपको डिफरेंट क्लासेस में उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो हम डायरेक्ट उसे कॉल करा देंगे, सही है। मतलब वो मल्टीपल क्लासेस में कॉल हो सके, ठीक है। जैसे यहाँ पे स्लीप का, तो स्लीप का पैटर्न सबका सेम होता है, तो इस तरह से यहाँ पे हमने इसे कॉल करवा दिया, और जो साउंड डिफरेंट होता है तो उसे हमने उसको एक अलग क्लास में डिफाइन करवाया। अगर मैं यहाँ पे इसे रन करूँ तो ये बेसिकली दोनों क्लासेस से होता हुआ आ रहा है आपके पास, सही है। अगर आपका कोई यहाँ तक क्वेश्चन है तो पूछे, फिर इसका जरा मुश्किल एग्जांपल बजाएंगे। नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं है मेरा। आपको आ गया? अच्छा जी, तो यहाँ पे आ रहा है जी व्हाट इज एब्स्ट्रैक्शन इन ओप्स, तो इसमें कोर ऑपरेटिंग प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट, जिसमें आकर दो टाइप्स होती है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन और प्रोसेस एब्स्ट्रैक्शन, सही है। एब्स्ट्रैक्शन क्या है मैंने आपको बता दिया, एब्स्ट्रैक्शन इन रियल लाइफ, योर कार इज अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, यू कैन स्टार्ट अ कार बाय ट्यूनिंग द की और प्रेसिंग द स्टार्ट बटन, यू डोंट नीड टू नो हाउ द इंजन इज गेटिंग स्टार्टेड, सही है। उसके बाद है व्हाट ऑल कंपोनेंट्स योर कार हैज, द इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन एंड कॉम्प्लेक्स लॉजिक इज कम्प्लीटली हिडन फ्रॉम द यूजर, मतलब एब्स्ट्रैक्शन एक ऐसी चीज है जो कि यूजर कर रहा हो, सही, जो कि सिर्फ यूजर यूजर के पास एक्सेस हो रहा हो जिस चीज का। जैसे कि आप फेसबुक यूज करते हैं तो आपके पास सिर्फ वही मेथड्स का यूजेज होता है जिसमें आपका पोस्ट करनी हो गई या पोस्ट लाइक कर ली, बट आपके पास उनका बैकएंड का एक्सेस नहीं होता है, ठीक है। तो वो चीजें जो कि यूजर को एक्सेसिबल होती हैं, जो चीज आपको नजर आ रही होती है, जो चीज आपको समझ आ रही होती है, सही है सही है। तो जैसे कि यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है माइक्रोवेव की, ठीक है। फिर आ रहा है एब्स्ट्रैक्शन इन ओप्स, सो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, एंड ऑब्जेक्ट कंटेन्स सम प्रॉपर्टीज एंड सम मेथड्स, वी कैन हाइड देम फ्रॉम द आउटर वर्ल्ड थ्रू द एक्सेस मॉडिफायर्स, एक्सेस मॉडिफायर्स पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड जो होते हैं, सही है। वी कैन प्रोवाइड एक्सेस ओनली फॉर रिक्वायर्ड फंक्शंस एंड प्रॉपर्टीज टू द अदर प्रोग्राम्स, दिस इज द जनरल प्रोसीजर टू इम्प्लीमेंट एब्स्ट्रैक्शन, सही है। तो आपके पास दो तरह की एब्स्ट्रैक्शन है, डेटा और प्रोसेस, सही है। डेटा एब्स्ट्रैक्शन जो कि अभी हमने किया, सही है, जो कि बेसिकली डेटा एब्स्ट्रैक्शन होता है जिसमें हम गेटर और सेटर को गेट भी करते हैं सेट भी करते हैं, हमने अभी फिलहाल नहीं किया है, हमने किया प्रोसेस एब्स्ट्रैक्शन, सही है। और वही है आपके पास, डेटा एब्स्ट्रैक्शन नहीं है। तो यहाँ पर बेसिकली आप एक नीचे एग्जाम्पल आ रही है, ठीक है। इसमें एक चीज़ और है जो कि इंटरफेस है, मैं अभी आपको बताता हूँ क्या होता है। इसमें ये आ रही एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल है आप लोगों का असाइनमेंट, ये आपने करनी है, सही है। और जो इसमें समझ में ना आ रहा हो आप, क्योंकि इसमें देखें वही सारी चीज़ें हैं जो मैं करवा चुका हूँ ऑलमोस्ट, बल्कि सभी करवा चुका हूँ इसमें से, तो वो आप लोगों ने अप्लाई करना है, और आपको जो चीज़ समझ में नहीं आ रही वो आपने मुझसे पूछनी है, ठीक है। ओके ये इसमें जो आप देखें ओवरराइड का मेथड अप्लाई हुआ है वो भी मैंने आपको करवाया है, उसके अलावा प्राइवेट भी मैंने आपको, प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड सारी चीज़ें आपको करवा चुका हूँ, मैं आपको सेंड कर देता हूँ, तो ये आप लोग उसको कर लीजिएगा, और कोई भी इसमें क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा, सही है। इसी तरह से और इसमें एक चीज़ और यूज़ हो रही है जो कि है इंटरफेस, सही है, वो मैं अभी आप लोगों को करवा रहा हूँ। अच्छा अब देखें अभी तक जो हमने क्लास को यूज किया था नेक्स्ट क्लास में, उसके लिए हमने क्या क्या कीवर्ड था जो हमने यूज किया था, एक्सटेंड का यूज किया था ना, इससे क्या होता है, दो क्लासेस आई थिंक कनेक्ट कर रहे थे आप इस ठीक वर्ड है। से। और अभी तक जो हम क्या कर रहे थे, क्लासेस के अंदर ही पूरा पूरा मेथड डिफाइन कर रहे थे, उसको वहीं पे सारा काम हो रहा था, सही है। हमारे पास इंटर और जो एब्स्ट्रैक्शन होती है, एब्स्ट्रैक्शन में हम क्या कर रहे थे, मेथड को खाली एब्स्ट्रैक्शन में हम कुछ भी कर सकते थे, अगर एब्स्ट्रैक्ट क्लास है तो उसमें भी हम कर सकते थे, लेकिन कुछ कॉल नहीं करा सकते थे या कुछ उसमें हम डिक्लेयर नहीं कर रहे थे, अगर हमने पब्लिक में अगर हमने एब्स्ट्रैक्ट डिफाइन किया हुआ है तो हम उसमें कॉल नहीं कर सकते थे। बट जो
आपके पास इंटरफेस होता है ना, जो इंटरफेस क्लास होती है उसमें ये होता है कि आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ मेथड डिफाइन करके उसे छोड़ देते हैं, सही है। बाकी अगर उसका यूजेज जहाँ भी होता है आपको वहाँ पे उसे दोबारा से क्या कहते हैं कॉल करवाना पड़ता है, सही, इंप्लीमेंट करवाना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने क्लास वाइज का नाम रखा इंटरफेस, और इसके अंदर मैं दो क्लासेस बनाऊंगा बेसिकली। एक मैंने बनाया इंटरफेस और पॉलीगॉन, बस और कुछ लिखने की फिलहाल जरूरत नहीं है, इंटरफेस पॉलीगॉन। और इसके अंदर मैंने एक वॉइड दिया और मैं चाहता हूँ कि ये एरिया गेट करे इसका, सही है। और एक इंटीजर में आए लेंथ, सही है, पैरामीटर्स में एक लेंथ का हो और एक पैरामीटर मैंने दे दिया इसका ब्रेथ का, सही है। तो मैंने सेव कर दिया। उसके बाद इसको हम करेंगे इम्प्लीमेंट द इंटरफेस, और उसको इम्प्लीमेंट करने का जरा अलग मेथड है कि आप करेंगे, जैसे कि मैंने एक क्लास बनाई रेक्टेंगल के नाम से जिसमें मैं पॉलीगॉन की कुछ चीज़ों को यूज़ करना चाह रहा हूँ, सही है। तो मैंने किया एक क्लास बनाई रेक्टेंगल इम्प्लीमेंट्स पॉलीगॉन, इस तरह से, सही है। और उसके बाद मैंने इसमें पब्लिक वॉइड गेट एरिया, ठीक है, दोबारा से, और दोबारा से जो इंटीजर था मेरा लेंथ उसको मैंने डिफाइन किया और एक इंटीजर था मेरा ब्रेथ उसको मैंने डिफाइन किया, ठीक है। और उसके बाद एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज, क्या फॉर्मूला होता है एरिया का, ठीक लेंथ इनटू ब्रेथ है। तो क्लास लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर इसे अब क्या करेंगे आप बताएं जरा, कैसे करना चाहिए, मैं अगर मैं एरिया निकालना चाह रहा हूँ तो कैसे निकलेगा। मैं रेक्टेंगल का एरिया निकालना चाह रहा हूँ, क्या मैं अप्लाई करूँगा यहाँ पे, ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, कॉल कैसे होगा। आई थिंक आप यहाँ पे आई थिंक रेक्टेंगल रेक्टेंगल डिफाइन, की क्लास को कॉल रेक्टेंगल कॉल कराएंगे, सही है, ठीक है। रेक्टेंगल कॉल कराया, आर वन ले लिया मैंने इसको, इक्वल्स टू न्यू रेक्टेंगल, ओ अच्छा स्पेलिंग ऊपर गलत, रेक्टेंगल। और उसके बाद यहाँ पर आर वन डॉट गेट एरिया, ठीक है। और जो थे उसके अंदर मेरे पास 5.6 यहाँ दे दिया, अच्छा जी गेट एरिया में क्या रहा आ रहा है, ओ अच्छा, पॉलीगॉन ये था यार, और क्या है कहाँ पर एक्सपेक्टेड है इसको, लाइन नंबर 4 पे, ठीक है। अच्छा जी इसको अब रन करते हैं, सही है। तो ये रेक्टेंगल का एरिया आ गया मेरे पास। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आप ये वाला जो है कहाँ गया, ये वाला जो है ये आप कर सकेंगे तो आप कर लेंगे,
आई डोंट नो, आप सेंड कर दें, ये प्रोसेस वाला शायद कर क्वेश्चन, लेंगे. क्योंकि इसमें इंटरफेस यूज हो रहा है जैसे अभी हमने किया, सही है। ये देखें, एक इंटरफेस बना हुआ है जिसमें टर्न ऑन कार, टर्न ऑफ कार, गेट कार टाइप, सही है। ये इसमें तीन बने हुए मेथड्स, और उन मेथड्स को मैनुअल, एक दो कार्स बनाई है, दो तरह की कार्स हैं, अगर आपको समझ में ना आए फिर भी तो आप इसमें लिख सकते हैं इस तरह से, सही है। यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि बेसिकली क्या कर रहा है कार का ड्राइवर, और एक है मैनुअल कार और एक है ऑटोमेटिक कार, सही है। दो है क्लासेस, सही, और दोनों कार को इम्प्लीमेंट करी है, तो जिसे कॉल कराएंगे वो अपने मेथड्स आपको शो करवाएगी, सही है, इस तरह से, सही है। यहाँ पे ठीक तो आप लोग इसको करें, और ठीक है आज इतना रखते हैं, ज़रा मैंने